चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। कल हमने बात की थी एरिया और वॉल्यूम की, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हमने सरफेस एरिया ऑफ पॉइंट, ये दोनों हमने फाइंड किए, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.1। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड is 2 bracket length breadth plus breadth height plus height length. This is the surface area of cuboid. दूसरा मैंने आपको करवाया था lateral surface area. Lateral surface area of cuboid. Lateral surface area का मतलब है इसमें आपका टॉप और बॉटम नहीं होता, क्यूबॉइड का टॉप और बॉटम उससे निकाल दिया जाता है। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 हाइट लेंथ प्लस ब्रेथ, दिस इज लेटरल सरफेस एरिया। ओके, अब इसी तरह जिस तरह से हमने क्यूबॉइड का सरफेस एरिया कर निकाला था, इसी तरह हम क्यूब की बात करते हैं। अब क्यूब में भी 6 फेसेस होते हैं और क्यूब मैंने आपको बताया था कि इसके सभी फेसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्क्वायर। ठीक है, तो दैट मींस कि सभी फेसेस जो हैं वो एक तो इक्वल हैं और क्या है, स्क्वायर। अब यहाँ पे भी अगर हम सरफेस एरिया की बात करें कि व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो हम इसके सभी फेसेस का एक एक करके एरिया निकालते हैं और उनको ऐड करेंगे। जैसे कल हमने क्यूबॉइड का निकाला था कि हमने एक एक फेस लिया था, उसका एरिया निकाला एंड विद द एंड हमने उन सबको ऐड किया और हमारे पास फॉर्मूला बना 2 ब्रैकेट लेंथ ब्रेड प्लस ब्रेड हाइट प्लस हाइट। तो इसी तरह यहाँ पे भी हम ऐसे करेंगे। तो जैसे कि क्यूब जो है इसमें आपके कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं और 6 के 6 फेसेस क्या है, स्क्वायर। और स्क्वायर का एरिया जो होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, That is side multiply by side. वहां पे हम रेक्टेंगल का कर रहे थे कि length multiply breadth, जो भी दो dimensions आए उनको multiply कर रहे थे। जैसे अगर breadth और height है तो multiply कर रहे थे, ये दो dimension आपकी length और height है तो उनको multiply कर रहे थे। अब यहाँ पे सभी faces क्या है, square है, तो square का area क्या होता है, side into side। मान लेते हैं कि यहाँ पे जो side है वो क्या है, a। साइड क्या है, ए। तो अगर मैं फर्स्ट फेस की बात करूं, मैं इसका जो फ्रंट फेस है वो मैंने लिया फर्स्ट फेस और उसका एरिया मैंने निकाला। तो जैसे कि स्क्वायर है, इसकी साइड जो है वो हमने ए मानी है, तो एरिया क्या आएगा, ए मल्टीप्लाई ए क्या आ गया, ए स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली दूसरा फेस ले लो कोई भी, क्योंकि कोई भी ले लो, यहाँ पे 6 के 6 फेसेस क्या है, इक्वल है और स्क्वायर है। तो दूसरा जो फेस जो लिया उसका भी एरिया आपका क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। सिमिलरली थर्ड का, थर्ड फेस लोगे उसका भी एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर। फोर्थ ए स्क्वायर, फिफ्थ का भी ए स्क्वायर और सिक्स फेस उसका भी एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्यूब मैंने लिया उसकी साइड मैंने मान ली ए और हर एक फेस यहाँ पे क्या है, स्फीयर है और हर एक फेस स्फीयर है, तो उसका एरिया क्या होगा, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, दैट इज ए मल्टीप्लाई ए। अब इन सभी फेसेस के एरिया को ऐड कर लेते हैं। अगर आप देखिए इन सभी को आप ऐड करोगे और सभी के सभी क्या है, इक्वल है लाइक टर्म से, जब आप ऐड करोगे तो आपके पास फॉर्मूला बनेगा 6 ए। So this is the total surface area of cube.
ओके तो अभी तक जैसे हमने लास्ट में क्यूबॉइड किया था, तो जब भी क्यूबॉइड का एरिया सरफेस एरिया निकालना है तो आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ये तीन चीजें पता होंगी तभी आप क्या कर पाएंगे, सरफेस एरिया निकाल पाएंगे। और यहाँ पे क्यूब के बारे में सिर्फ आपको एक साइड पता होनी चाहिए। आपको अगर क्यूब की साइड पता है, ठीक है, तो आप क्या निकाल सकते हो, उसका सरफेस एरिया निकाल सकते। अभी यहाँ पे भी लेटर सरफेस एरिया है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो लेटरल सरफेस एरिया जैसे कि मैंने आपको बताया टॉप और बॉटम नहीं होता, टॉप और बॉटम दोनों मैंने निकाल दिया। मतलब मैंने यहाँ पे दो जो है एरिया जो थे, दो फेसेस जो थे वो निकाल दिए, तब क्या एरिया बनेगा, सर टोटल सरफेस एरिया क्या बनेगा, फोर ए स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास कितने फेसेस रह गए, फोर, और इधर जो सभी को ऐड करेंगे क्या बनेगा, फोर ए स्क्वायर। तो दिस इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। ओके, समझ आ गया कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? क्लियर है? यस मैम, यस मैम, यस मैम। और क्यूबॉइड का क्या है, टू हाइट ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। तो एक्सरसाइज 13.1, ए प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड। एक प्लास्टिक बॉक्स जो है वो हमें बनाना है, की लेंथ, विड्थ और डीप में गहरा, दैट इज द हाइट, वो हमें दी हुई है। इट इज ओपन एट द टॉप, और हमें ये बोला गया है कि जो बॉक्स है ये ऊपर से ओपन हो। इग्नोर द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट डिटरमिन, जो हम इसकी प्लास्टिक शीट से जो हम ये बॉक्स बनाएंगे उसकी जो थिकनेस है उसको इग्नोर करेंगे, वो हम बीच में इंक्लूड नहीं करेंगे। सो फर्स्टली यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर द मेकिंग द बॉक्स। तो आपने ये बताना है कि इस बॉक्स को बनाने के लिए कितनी शीट चाहिए। तो यहाँ पे प्लास्टिक बॉक्स की जो बात हो रही है, कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया कि दिस इज क्यूब और क्यूबॉइड, बट उन्होंने क्वेश्चन में आपको लेंथ, विड्थ और हाइट ये तीन डायमेंशन दिए हैं, जिसका मतलब ये है कि ये क्या है, क्यूबॉइड। अगर क्यूब होता तो एक साइड दी होती, बट यहाँ पे लेंथ, विड्थ और हाइट दी है, जिसका मतलब ये है कि जो बॉक्स है वो क्या है, क्यूबॉइड। अब ये जो बॉक्स आपने बनाना है ये इस तरह से बनाना है कि टॉप में आपने शीट नहीं यूज कर, शीट आपने इसकी ये फोर साइड में करनी है और नीचे बॉटम में करनी है, ऊपर नहीं करनी। और अब आपने बताना है कि कितना एरिया ऑफ शीट जो है वो इस बॉक्स को बनाने के लिए चाहिए, ठीक है। अब हमें क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया तो पता है, दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अगर आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट आप पुट करते हैं तो जो एरिया आएगा वो पूरे बॉक्स का आ जाएगा, मीन्स वो टॉप का भी आ जाएगा। ये पूरा ना, ये जो फॉर्मूला है ये तो पूरा है, जो टॉप और बॉटम और बाकी फोर जो आपकी साइड तक वो भी आ रही है इस फॉर्मूले में, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने बॉक्स का जो टॉप है वो कंसिडर नहीं करता, हमने शीट जो है वो ऊपर नहीं लगा, ऊपर से ओपन कर। तो अब यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं, दो तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्टली क्या आप इस पूरे बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया निकालो इस फॉर्मूले को यूज करके, और उससे माइनस कर दो टॉप का जो एरिया होगा, तो ऊपर फेस जो है उसका एरिया माइनस कर देंगे आपके पास एरिया। या फिर आप दूसरे तरीके से ऐसे कर सकते हैं कि आप इस फॉर्मूले में टॉप का जो एरिया है वो निकाल दो,
अब अगर आप यहाँ पे टॉप देख रहे हैं, तो दिस इज द लेंथ, ये क्या है, लेंथ है, और ये क्या है, ब्रेड्थ। तो मतलब ऊपर जो फेस है उसका एरिया क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो अगर मैं इस फॉर्मूले से लेंथ ब्रेड्थ एक जो है वो निकाल, तो देखिए इस फॉर्मूले में जो मैं ब्रैकेट को ओपन कर रही हूँ, तो देखिए क्या बनता है, ये बनेगा ब्रैकेट जब ओपन करेंगे। बट जब मैं इसे एक एलबी, एक फेस का जो एरिया वो निकाल रही, मतलब टू एलबी में से मैंने एक एलबी निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या बचा, ये एक बचा ना। मैंने ये टू एलबी जो यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये ऊपर का फेस का एरिया है और नीचे जो बॉटम का फेस है उसका एरिया है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। बट टॉप का जो फेस है वो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे ऊपर शीट नहीं लगानी, तो मैंने यहाँ से एक एलबी निकाल दिया, मेरे पास ये फॉर्मूला, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले को यूज कर, ये फॉर्मूला यूज कर, क्योंकि मुझे टॉप का जो है वो क्या रखना है, ओपन रखना। तो मैं इस फॉर्मूले में लेंथ ब्रेड्थ हाइट पुट करूंगी, इसको सॉल्व करूंगी, मेरे पास जो एरिया आ जाएगा वो इस बॉक्स का एरिया आ जाएगा, जितनी शीट मुझे चाहिए इस बॉक्स को बनाने के लिए वो मेरे पास, ये जितना इस बॉक्स का एरिया होगा उतनी शीट चाहिए होगी ना। तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके निकाल सकते। दूसरा मैंने आपको ये बोला था कि आप इस फॉर्मूले को यूज कर लो, एरिया निकाल लो और उससे आप माइनस कर दो एल, उससे ये चीज माइनस, क्योंकि ऊपर का जो फेस है उसका एरिया क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये दोनों चीज दोनों तरीके से कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया? यस मैम। अब दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट जो आपको दी, लेंथ आपको दी हुई है 1.5 मीटर, ब्रेथ आपको दी है 1.25 मीटर और हाइट आपको दी है 65 सेंटीमीटर। तो एक बात आपने हमेशा ध्यान रखनी है कि आपके यूनिट जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जैसे मैंने फिजिक्स में भी आपको बताया है यूनिट जो है वो सेम होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर। अब आप इस तीनों को जब आप फॉर्मूले में डाल दोगे और उसको सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर गलत आएगा, ये कितने सेंटीमीटर। तो या तो इसको पहले मीटर में चेंज कर, या फिर इन दोनों को सेंटीमीटर में चेंज कर। मैंने आपको बताया था सेंटीमीटर, मीटर और किलो, सबसे छोटा है उससे बड़ा, तो उससे बड़ा। जब हम छोटे से बड़े हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और जब बड़े से छोटे में आएंगे तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। एस बी डी, स्मॉलेस्ट बिगेस्ट डिवाइड, छोटे से बड़े में जाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड, और बड़े से छोटे में आने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। सेंटीमीटर और मीटर को आपस में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से, 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, और यहाँ पे 1000, ठीक है। मतलब अगर आप सेंटीमीटर से मीटर में जा रहे हैं, छोटे से बड़े में जा रहे हैं, आप 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और अगर आप मीटर से सेंटीमीटर में जा रहे हैं तो आप 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली अगर आपने मीटर से किलोमीटर में जाना है, बड़े छोटे से बड़े में जाना है, तो 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ओके। और अगर आप किलोमीटर से मीटर में आ रहे हैं तो 1000 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ पे 65 सेंटीमीटर है, मुझे इसको मीटर में चेंज करना है, मीन्स मुझे सेंटीमीटर से मीटर में जाना, छोटे से बड़े में जाना, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, 65 को 100 से डिवाइड करूँ, जो कि हो जाएगा 0.65। अभी यहाँ पे इसके साथ क्या लगेगा, मीटर। अब मैंने इसकी यूनिट चेंज करके मीटर में लिख दिया, तो तीनों जो है वो अब सेम हो गए हैं। तो आप इस फॉर्मूले में इसको करिए, डालिए और सॉल्व करें। अब यहाँ पे इस चैप्टर में मेन
जो है दैट इज फॉर्मूला, सही फॉर्मूला होगा सही आंसर आएगा। दूसरी ये चीज कैलकुलेशन जो होनी चाहिए वो आपकी सही होनी चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करते हैं, लेंथ आपने डाल दी 1.5 मीटर। जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, जब उसमें लिखेंगे लेंथ, तो यहाँ पे यूनिट नहीं लगा, 1.5 सिंपल। आगे क्या है ब्रेड, 1.25 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1.25, हाइट मैंने निकाली थी 0.5 प्लस 2 हाइट मल्टीप्लाई 1। वैल्यूज तो डाल दी, अब क्या करना है, अब आपको सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, वो आप यहाँ लिखो, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करो वो यहाँ लिखो, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखो और इन तीनों को ऐड करो। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है तो एक तो आपकी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, दूसरा आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। मुझे पता है कि घर में बैठकर आपकी कैलकुलेशन एक तो वीक हो गई है, ऊपर से स्लो भी है, तो यहाँ इस चैप्टर के लिए कैलकुलेशन जो होनी चाहिए वो स्ट्रॉन्ग और फास्ट होनी चाहिए। वो कैसे होगी, जब आप इन क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें, खुद कैलकुलेट करें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो आपका हाथ जो है जल्दी चलना, यहाँ पे तीनों को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ लिखना है तीनों को मल्टीप्लाई करके, यहाँ ये नहीं कि आप इन दोनों को प्लस कर दें, पहले प्लस तो नहीं होते, सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन होती है ना, सबसे पहले जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करके लिखो, इन द एंड यू विल ऐड, ओके। तो जो आंसर आएगा उसके साथ आपने क्या लिखना है, मीटर स्क्वायर, एरिया निकाल रहे हैं, एरिया की यूनिट क्या होती है, स्क्वायर मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी यूनिट आप यूज करो, ठीक है, क्लियर, समझ गए? यस मैम। अब आगे सेकेंड पार्ट, द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट, इफ अ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट रूपी 20। अब ज्यादातर क्वेश्चन में कॉस्ट पूछ गए, अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में तो आपने ये बता दिया इस क्यूबॉइड में जो शीट बनाने के लिए, प्लास्टिक बॉक्स को जो बनाने के लिए आपने शीट यूज कर ली है वो कितनी है, कितना एरिया होगा, वो आपने फर्स्ट पार्ट में बता दिया। अब सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं कि जो आप शीट खरीदोगे अब उसका खर्चा कितना आएगा, वो ये सेकंड पार्ट में पूछ, तो जब भी आपसे कॉस्ट पूछी जाएगी, किसी भी चीज की कॉस्ट पूछेंगे तो उस चीज के थोड़े से 1 यूनिट आपको कॉस्ट दी हो, जैसे कि यहाँ पे सेकंड पार्ट में देखिए आपको 1 मीटर स्क्वायर शीट की कॉस्ट दी हुई है, 1 मीटर स्क्वायर जो शीट है उसकी कॉस्ट क्या है, ₹20। तो जब भी आपसे कॉस्ट पूछी जाएगी तो ऑलरेडी उन्होंने 1 यूनिट की कॉस्ट आपको क्वेश्चन में बताई है, ठीक है, कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी। अब शीट कितनी चाहिए वो आपको फर्स्ट पार्ट में पता चलेगा, कितनी शीट चाहिए, ठीक है ना, उसे सॉल्व करेंगे फर्स्ट पार्ट में, जितनी शीट आपको लगेगी वो आप यहाँ पे लिखेंगे। मान लेते हैं कि जो शीट जो है वो आपकी लगी है 100 मीटर, फर्स्ट पार्ट में जो आंसर आया है 100 मीटर स्क्वायर, मतलब 100 मीटर स्क्वायर जो है कितनी शीट, जो इतना एरिया जो शीट का है वो उस बॉक्स को बनाने के लिए चाहिए। अब हमें इसकी कॉस्ट बता, इसका खर्चा कितना है, तो उन्होंने ऑलरेडी 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा आपको दिया होगा, तो इसका खर्चा कितना आएगा, आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 को 20। सिंपली जब भी कॉस्ट पूछी जाएगी तो उन्होंने जो आपको 1 यूनिट की कॉस्ट दी होगी उसको आपने मल्टीप्लाई करना है, उससे जितनी आपकी जो चीज जिस चीज की आप कॉस्ट निकाल रहे हैं उसका है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका आ गया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या निकाल रहे हैं, आप कॉस्ट निकाल रहे हैं ना, तो आपको क्या लगा, रुपी लगा, ये नहीं कि इसके साथ आप मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर लगा, नहीं, ये क्या है कॉस्ट है, तो इसके साथ क्या लगेगा, रुपी। ओके चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2,
The length, breadth and height of the room are 5 meter, 4 meter and 3 meter respectively. तो यहाँ पे आपको length, breadth, height दी हुई है एक रूम की. आपको ये बताना है find the cost of white washing the walls of the room and the ceiling at the rate of rupees. अब यहाँ पे बात हो रही है एक क्यूबॉइड. length, breadth और height दी हुई है और यहाँ पे आपको उसी के साथ length is 5 meter, breadth is 4 meter and height is 3. आप बोल रहे हैं कि इस रूम को white wash करना है, पेंट करना है, कहाँ करना है, इसकी four walls पेंट करना है. अब आपका जो रूम है वहां पे अगर आप देखेंगे पेंट ना हुआ है, फोर वॉल्स में हुआ है, चारों तरफ हुआ है और एक ऊपर छत में हुआ है, फ्लोर में तो नहीं हुआ ना. फ्लोर में थोड़ी पेंट करेंगे. तो वही चीज यहाँ पे बोली गई है कि आपने कॉस्ट बतानी है व्हाइट वॉशिंग की, जो कि वॉल्स में की गई है और सीलिंग में की गई. कॉस्ट की बात तो बाद में करेंगे, सबसे पहले एरिया निकालते हैं, एरिया निकालते हैं. तो इस रूम में अब पेंट किया गया है और कहाँ पेंट नहीं किया गया, फ्लोर पे नहीं किया, बाकी सभी फेसेस में किया. अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फॉर्मूला यहाँ पे वही लगेगा जो अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया. यही फॉर्मूला लगेगा. क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाले क्वेश्चन में टॉप नहीं था, यहाँ क्या नहीं है, बॉटम नहीं है. फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा क्योंकि टॉप और बॉटम का जो एरिया वो लेंथ इनटू ब्रेड्थ ही है. टॉप अगर देखोगे दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेड्थ. बॉटम देखो ये भी क्या लेंथ है और ये क्या है ब्रेड्थ. दैट मींस कि अगर किसी क्वेश्चन में अगर टॉप नहीं है तब भी आप यही फॉर्मूला यूज करोगे. अगर किसी क्वेश्चन में बॉटम कंसिडर नहीं कर रहे तब भी आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? फॉर्मूला तो पता चल गया कि ये फॉर्मूला यूज होगा. ठीक है, अब यहाँ पे तीनों चीजें दी हुई हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट. और तीनों चीजें जो क्वांटिटी है उनके यूनिट भी सेम है, मीटर में चेंज करने की जरूरत नहीं है. तो मुझे जल्दी से आप यहाँ पे इसका सरफेस एरिया निकाल के बता दें, बिकॉज नंबर जो है उतने बड़े भी हैं. तो यहाँ पे पुट करिए और जल्दी से मुझे सरफेस एरिया फास्ट. मैम 74 मीटर स्क्वायर. चलिए बाकी भी निकालिए और बताइए क्या शुभम सही बोल रहा है. यहाँ पे आपका जो सरफेस एरिया आ गया है दैट इज 74 मीटर स्क्वायर. मतलब इतने एरिया में आपने क्या करना है, व्हाइट वॉश करना है. ओके, अब आगे बोला गया है कि आपको कॉस्ट निकालनी है व्हाइट वॉशिंग की और उन्होंने आपको खर्चा बताया हुआ है कि एक मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए कितना खर्चा है, 7.5 रुपए. ठीक है ना, रुपीज 7.50 पर मीटर स्क्वायर. तो पर मीटर स्क्वायर का मतलब ये है कि एक मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए वो चार्जेस ले रहे हैं, कितने ले रहे हैं, 7.50 कितने चार्जेस. तो पूरे रूम की वॉल्स और सीलिंग को पेंट करने के लिए वो कितने चार्जेस लेंगे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, सरफेस एरिया निकालना. अब जैसे कि आपके घर में पेंट होना, आपने जो पेंट करते हैं उनको बुलाया और उनसे उनसे पूछा कि कितना आपके चार्जेस कितने लेते हैं, उन्होंने आपको बता दिया कि भाई अब 1 मीटर स्क्वायर का इतना लेते. आपने क्या किया, अपने रूम के लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो है वो आपने नापी और उसके बाद कैलकुलेट किया कि आपका जो खर्चा जो है, आपका जो सरफेस एरिया है वो कितना है. आपने देखा कि आपने पेंट का करवाना, आपने वॉल्स पे करवाना, उसमें करवाना, आपने फॉर्मूला यूज किया, ये बता कैलकुलेट किया आपके पास सरफेस एरिया. जैसे कि यहाँ पे सरफेस एरिया कितना है, 74 मीटर के. उन्होंने आपको चार्जेस बताए हुए कि 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के कितने चार्जेस लिए, 7.5 रुपए. तो आप पूरे
रूम को पेंट करने के लिए कितना खर्चा आएगा वो आपको बताना है। तो आप क्या करेंगे, 74 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए कितना खर्चा आएगा, आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 7.5। ठीक है, जैसे अभी हमने पीछे क्वेश्चन में क्या किया था, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दी गई थी ₹20 और शीट जो थी वो कितनी चाहिए थी प्लास्टिक बॉक्स को बनाने के लिए 100 मीटर स्क्वायर, तो हमने 100 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 20। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि जो 1 मीटर स्क्वायर को जितने वो कॉस्ट चार्ज दे रहे हैं उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 670, आपके पास क्या आ जाएगा, खर्चा आ जाएगा पूरी वॉल सीलिंग को पेंट कर। और इसका आंसर जो लिखेंगे वो रुपी में लिखेंगे, इसके साथ मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर ये नहीं लगाना। समझ आ रही है, जहाँ पे आप कॉस्ट निकाल रहे हैं वहां पे रुपी लिखिए, जहाँ पे आप सरफेस एरिया निकाल रहे हैं वहां पे मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बहुत सिंपल है कि एक आपको क्यूबिकल बॉक्स दिया हुआ है। क्यूबिकल बॉक्स का मतलब है क्यूब और एक आपको क्यूबॉइडल बॉक्स दिया। अब दोनों की, अब क्यूब की उन्होंने एज दी हुई है 10 सेंटीमीटर, एज मीन साइड उन्होंने दी है 10 सेंटीमीटर, और क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेड हाइट वो भी उन्होंने दी हुई है 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया है विच बॉक्स हैज द ग्रेटर लेटर सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। अब दोनों का आपने बताना है कि इन दोनों में से किसका लेटर सरफेस एरिया सबसे ज्यादा है। तो क्यूब का लेटर सरफेस एरिया था 4 स्क्वायर और इसका मैंने आपको बताया था 2 हाइट 10। ये दोनों फॉर्मूले यूज करके दोनों के आप लेटर सरफेस एरिया निकाल लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा किसका लेटरल सरफेस एरिया जो है वो बड़ा है एंड बाय हाउ मच, ये भी बताना है कि कितना बड़ा, वो डिफरेंस करके माइनस करके आप निकाल के बता। ठीक है, सेकंड पार्ट में पूछा गया है विच बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया को पता आपको, दिस इज 6 स्क्वायर एंड दिस इज 2 ब्रैकेट लेंथ ब्रेड प्लस ब्रेड हाइट प्लस हाइट। ये दोनों फॉर्मूले यूज करके सेकंड पार्ट में आप बता सकते हैं कितना स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया कितना एंड बाय हाउ मच, वो भी आप बता सकते हैं। इज इट क्लियर, समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। 13.1 एक्सरसाइज, बाकी क्वेश्चन 7 और 8 जो है उनको कट कर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को कट कर दीजिए रहने दीजिए, बाकी जो 6 क्वेश्चंस हैं थर्ड और फोर्थ ट्राई करने, ये बाकी क्वेश्चन से थोड़े डिफिकल्ट हैं बट इनको जरूर ट्राई करेंगे और इन सभी क्वेश्चंस को रफ नोटबुक में सॉल्व करेंगे। रफ नोटबुक में सॉल्व करने का मतलब ये नहीं है कि आप कैलकुलेटर यूज करो या फिर आप कोई हेल्प बुक यूज करो और वहां से कैलकुलेशन कॉपी करके वहां पे लिख दो। रफ नोटबुक में सॉल्व करने के लिए इसलिए कहा जा रहा है कि यहाँ इस चैप्टर में कैलकुलेशन जो है वो सबसे मेन, और वो आपको तभी आएगी जब आप क्वेश्चन कैलकुलेशन को खुद करें। जितने ज्यादा क्वेश्चन खुद सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन खुद करेंगे, उतनी ज्यादा आपकी स्कोर होगी और पास होगी। ठीक है ना, तो देख लीजिए इस चैप्टर में 8 एक्सरसाइज, कैलकुलेटर और हेल्प बुक का यूज नहीं करना। ठीक है, अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे।